साल आज ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, होप करता हूँ कि ये वायकॉम जो है वो अगले 5 सालों के अंदर इस फिल्म इंडस्ट्री का हुलिया ही बदल देगा। इस साल शुरू हो जाएगी फिल्म, नहीं जी, झांसी की रानी इस साल शुरू हो जाएगी। मैं तो मानता हूँ कि सेंसरशिप बंद हो जानी चाहिए पूरी तरह, क्योंकि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी अब हैं, और अगर हम अपने आप को हम मानते हैं कि हम अपने रूलर्स अगर सेलेक्ट कर सकते हैं तो हमें क्या देखना है ये तो ज़रूर तय कर सकते हैं। आज के ज़माने में सेंसरशिप का कोई वजूद नहीं रहा है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थैंक यू। मैं ये बोलना चाहूँगा कि 5 और साल अच्छे जाएं जैसे ये 5 साल गए हैं, और उन 5 साल के बाद 10 और साल जाएं अच्छी तरह से। मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है, अच्छी एक्सपीरियंस रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उनका काम अच्छा जा रहा है। इतना ही कहूँगा कि रीजनेबल बन जाओ यार, आई मीन रियलिटी रियलिटी होती है, हम बस वही पोर्ट्रे कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया किसकी बात कर रहे हो, मुझे पता ही नहीं इस इशू के बारे में। मेरी फिल्म आएगी 1/2 जो मैंने वायकॉम के साथ की थी। नहीं, मेरी फिल्म आएगी अभी, हैप्पी भाग जाएगी, अगस्त के महीने में रिलीज होगी वो। हाँ है, अभी मैं ऑफकोर्स 2-3 एक्टिंग फिल्में जो अभी एक्टिंग जॉब्स हैं मेरे वो कर रहा हूँ, उसके बाद में प्रोडक्शन भी करूँगा वापस में। थैंक यू। फुल ईयर्स रहे और उसमें से एक मेरी फिल्म थी, तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, एंड बिकॉज इतनी बड़ी हिट रही हमारी फिल्म भी, सो इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर वायकॉम 18, फॉर मी, फॉर ऑल द कास्ट एंड क्रू ऑफ पंचनामा। जी, अब अगली की तैयारी हो रही है, मैं बस कुछ ही टाइम में आपसे वो चीज़ें शेयर कर दूंगा, पर जितना मज़ा आपको पंचनामा 2 में आया था, आई एम श्योर मैं उतनी मेहनत करूंगा और उतनी कोशिश करूंगा कि लोगों को फिल्म पसंद आए। दबाव जी, मैं तो अपने आप पे दबाव नहीं डाल रहा हूँ, मतलब बट हाँ एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज़रूर रहेंगी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू डू माई जॉब ऑनेस्टली, एंड मुझे बस मज़ा आता है मेरा काम करने में, सो आई होप टू कीप एंटरटेनिंग पीपल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑब्वियसली मेरी जर्नी वायकॉम के साथ बहुत समय से है, और ऑब्वियसली 5 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो आई कंग्रेचुलेट एवरी वन, अजीत अंधारे जी एंड जितने भी सब जुड़े हुए हैं, आई मीन आई मेड माई फर्स्ट फिल्म विद देम, सो ऑब्वियसली एक रिश्ता है, एक नाता है इनके साथ, और आगे भी हम काम करेंगे टुगेदर, तो ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन वायकॉम। आ गया तो नो, अभी मंडे को डिसीजन मिल रहा है, एंड ऑब्वियसली सब लोग लड़ रहे हैं उसके लिए, एंड ये डायरेक्टर की हित में होना चाहिए, एंड जो हो रहा है गलत हो रहा है। कितने डिसीजन मैंने पहले भी बात किया है सबसे, और मीडिया में भी बात कर चुका हूँ कि डिसीजन ऑब्वियसली डायरेक्टर के फेवर में होना चाहिए, बिकॉज अगर आप सेंसर बोर्ड हो तो सिर्फ सर्टिफिकेट दो,
सब चीज़ सेंसर मत करो और डायरेक्टर को बताओ ना क्या करना है क्या नहीं करना है। वो मुझे पता नहीं, मैं डायरेक्टर के हिसाब से देखता हूँ और एक सेंसर बोर्ड के हिसाब से। प्रेशर आता है इसलिए सब लोग एकजुट होके लड़ रहे हैं साथ में, और लड़ रहे मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। एंड प्रेशर आता है ज़रूरी कि शूट करने से पहले लगता है अरे ये भी कट जाएगा, कौन क्या बोलेगा, तो एक यू नो स्टेप बैक हो जाता है एंड यू फील लाइक रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्या शूट करे क्या नहीं करे पता नहीं कट जाएगा। I don't know much about that, और मैं उसको फॉलो भी नहीं करती। नो, मैंने गाना सुना भी नहीं है तो मुझे पता नहीं कि वो किस हिसाब से और क्या लॉजिक है क्या नहीं। सर ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, मैंने पिक्चर नहीं देखी है तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ट्रेलर तो ऑब्वियसली अच्छा लगा है और रियलिटी है, रियलिटी बताते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं धक्का लगता है, और वो कितना ट्रू है कितना नहीं ट्रू है वो हम देखने के बाद ही पता करेंगे। जैसे मेरी पिक्चर थी वो एक ट्रू बायोपिक थी और वो पंजाब पर ज़्यादा नहीं थी, कैरेक्टर पर ज़्यादा थी, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन पंजाब, जहाँ ट्रू स्टोरी आती है तो ऑब्वियसली सच बताना पड़ता है और किसी को लगेगा अगर सच नहीं। क्रिएटिविटी का नुकसान होता है अगर कोई मतलब इस जो जैसे उन्होंने ट्रेलर बनाया है उसमें तो लग रहा नहीं है कि दे स्टेप बैक, तो ऑब्वियसली सोच के ही बताया है, जो है वो दिखा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं किसी को लगेगा तो वो अलग बात है, रियलिटी है तो चुभेगी तो सही। अब तो मैंने अनाउंस नहीं किया, जस्ट यही है कि हाँ बायोपिक नहीं है, यस थ्रिलर है। अब बायोपिक नहीं हो तो मैंने बोल दिया था, इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर, एंड जब आगे अनाउंस होगा तो होगा, अभी तक ऑल इज टाइप लेट।